तो फटाक से पहले बिस्तर रेडी कर देते हैं और आज डिसाइड करें रिपब्लिक डे है तो एक स्पेशल वीडियो रिपब्लिक डे के लिए बनाएंगे। तो ड्रेस तो रेडी है, थोड़ा सा बैठ कर रिसर्च करते हैं, प्लान करते हैं कैसे शूट करना है और फिर शूट करेंगे रिपब्लिक डे की वीडियो। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है, नॉर्मल दाल चावल बना के खाया था और कपिल यहाँ एडिटिंग कर रहा था और साथ में हमने एडिटिंग करते हुए खा लिया और एक दो व्लॉग या एक दो वीडियोस भी यूट्यूब पे मस्त देख ली। अब बताओ दोस्तों ये चेयर ऐसी कमाल की चीज है, दिन भर इसी पे बैठ के काम करना रहता है कि हाँ देख लो कुछ कट पिट करना है कुछ जैसा लग रहा है। फॉर दिस आई ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन कपिल, ही नोज व्हाट ही हैज ओनली फॉर दिस। I mean, I really trust Kapil blindly. I know he can, he will do the best video editing and everything. Like, बस भावना को समझो, मतलब he is my right, left hand and leg both. Leg. So he is my right hand, he is my left hand and he does the work very beautifully. So मैं तो इसको vlog दे दे, फिर मैं नहीं सोचती, मुझे पता है जो करेगा best करेगा। यार ये फोटो मुझे लेकिन तुम्हारी बुरी नहीं लगी इतनी, मतलब प्यारी आई है दोस्तों, देखो ऐसा लग रहा है नन्ना सा कली खिल के निकला बाहर। तो हाय दोस्तों, आज के डे को हम लोग कैसे यूज करें। दोस्तों कपिल कैमरे की सेटिंग को लेके बहुत परेशान है। मुझे अब मैं काली दिख रही हूँ मैं बोलूँ तो क्या अब तुम ज्यादा गोरे दिख रहे हो? तो दोस्तों आज की वीडियो एडिटिंग हो गई है, अब वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद में म्यूजिक पे काम करना है। इन सब के पीछे मुझे कोडिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। कहाँ काली दिख रही हो, गोरी दिख रही हो ऑलरेडी? नहीं अभी मुझे लग रहा है जैसे कुछ चमक चली गई है, कुछ कमी आ गई है, कुछ तो कट दिया तुमने। देखो सही से देखो, देखो कोई कमी नहीं है। लड्डू वड्डू नहीं खिलाते थे हमारे यहाँ? तो खिलाने को भी देते थे पूरे प्रोग्राम लड्डू देते थे, मुझे इतना मजा नहीं आती लड्डू में, कुछ तो देते मैं ज्यादा हाइजीन देखता रहता हूँ ना, तो कोई अगर टच कर रहा है कोई क्यों तो मैं फिर नहीं लेता। हम लोग के यहाँ पे तो होता था, हम लोग स्कूल से खा के आते थे फिर, क्योंकि हमारे घर में सब टीचर हैं, बाबा भी टीचर, पिताजी भी टीचर, तुम तो लड्डू ले आते होंगे, बड़ी मम्मी भी टीचर और बड़े पापा भी टीचर, तो पता क्या होता था कि वो सब लड्डू लेकर आते थे, सब लोग अपने अपने स्कूल में जाते थे, फंक्शंस होते थे तो सब मिठाइयां लेके आते थे, फिर हम लोग को बुलाया धनवान रूपाली इधर आओ ये लो लड्डू आए हैं। तो हम लोग सब फिर मिलके बस ये वही लोग होते हैं जो रिपब्लिक डे पे जितने लड्डू आते हैं सब बच्चों के पास, कुछ बच्चे छूट जाते हैं जो हमको नहीं मिला, ये हर चीज में अलग ही नेगेटिविटी ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं मैंने बोला कि वो लड्डे डब्बो, क्योंकि ऐसे टीचर्स डब्बे भर के अपने घर पे ले जाते हैं और बोलते हैं आओ बच्चों, ऐसा मैंने नहीं बोला कि वो डब्बे भर के लाते थे, नॉर्मल छोटे डब्बे मिठाई के सबको लाते थे, बताओ छोटा डब्बा नॉर्मल कितने दिन तक खाते थे? एक दिन में खत्म हो जाता था, एक डब्बे में चार होते हैं, छोटे वाले डब्बे आते हैं ना बूंदी के लड्डू होते हैं, बुनिया के लड्डू जिसको तुम लोग बोलते हो, वो दिल पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदर्द। लगाओ इस पे कुछ लिरिक्स बोलती हूँ मैं रैंडम जो वर्ड आते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, अच्छी बीट बनाएंगे फिर आपको जरूर सुनाएंगे। दोस्तों क्या बना दिया मैंने, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा, ये शब्दों का ज्वाला तेरी बेरिया पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, ज्वाला मेरी बेरिया पिघलाएगा, कुछ भी मैं गाएगा समझ में ना आएगा, अपना टाइम आएगा।
शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, कुछ भी मैं ज्यादा बोल रहे हो ना। आज अभी इसी वक्त आईक्यू टेस्ट लेते हैं, चलो। आज नहीं, अभी पहले चलते हैं। दोस्तों आज मैं लाइव गई थी और उसमें मेरे भाइयों ने और कपिल ने ना जुगलबंदी करके मेरे आईक्यू के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया, तो मैंने फैसला कर लिया आज मैं आईक्यू टेस्ट दूंगी और सबको बताऊंगी मेरा आईक्यू कितना अच्छा है। तो चलो दोस्तों हम लोग बाहर थोड़ा राइड करने जा रहे हैं कि ब्रिगेड रोड है वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो यहाँ से लगभग आई थिंक एक घंटे का रास्ता है ना कपिल। तो दोस्तों हमारे साथ ब्रैंक हो गया, ब्रिगेड रोड पे गए थे पर वहाँ बहुत भीड़ थी और कहीं से बाइक खड़ा करने की जगह भी नहीं मिली, तो फाइनली वापस आ गए अपने पुराने ऑफिस वाले रास्ते पे हैं। ये रोड एक्चुअली में थोड़ी प्यारी लगती है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है। यार जल्दी खोलो। किसी से रहा नहीं जा रहा। अच्छा भाई मुझे तो यही डर है कि ये ठंडा ना हो जाए, इतना भगा भगा के लाया हूँ मैं इसको वैसे भी। यार देखो डिशवॉशर को दो बार लगाया, दोनों बार F5 एरर दिखा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई डिशवॉशर में। प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखना पड़ेगा एक बार, चेक करना पड़ेगा। नीचे ही बैठ गए क्योंकि नीचे बैठ के खाने में जो मजा है ऊपर बैठ के खाने में नहीं। ब्लॉगिंग के लिए कुछ और नए सोच रही थी कि और क्या बेटर कर सकते, तो कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है, तो मैं आगे के ब्लॉग को थोड़ा और बेटर और अलग तरीके से शूट करने वाली हूँ। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, अब कपिल अपने काम पे लगेगा और मैं अपने काम पे, तो मैं भी अपना लैपटॉप लेके जा रही हूँ अपने डेस्क पे। वैसे कि मुझे तुमसे काम है। चलो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो हमारी प्रायोरिटी में, अगर इतनी एक्सपेंसेस मीट हो जाते हैं उसके बाद ही हम कुछ एक्स्ट्रा करने का सोच सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूछ रही थी कि ओवरऑल इसने तो गेम खेलते ही चेकमेट दे दिया। Oh my God. कहने का मतलब ये था इसका कि एक बार इसका पूरा खर्चा होगा उसके बाद ही कुछ हम लोग सोचेंगे। इसमें कुछ भी मेरा पर्सनल ये लिखने में इसने मेरे को पता है पूरे उड़ा दिए होंगे। इसमें मेरा खुद का कोई भी पर्सनल नहीं है। इट्स आर एक्सपेंस दोस्तों, हम दोनों का मिला के, सिलेंडर है, ग्रोसरी है, वाटर कैन है, पानी पीने के लिए चाहिए होता है मंथली, गीजर रिपेयर कराना है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, करंट आ रहा है, उसमें 3 लाख का पीसी भी डाल दिया। अब मैं क्या पीसी कंट्रोल करो, कंट्रोल सब्र करो जरा। बीम से याद आ गई मुझे। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? क्या ये? मुझे पता चल गया, शिफाली को जब शर्म आती है ना तो शिफाली यूं कर लेती है। जिसमें बोलते हैं एक आंख से देखना मतलब सबको एक समान समझना, बस वो मुहावरे याद आ जाते हैं मुझे। तो चलो हम अपना राशन डिसाइड करते हैं दोस्तों, वापस से बुलाने के लिए माफी। बाय, हैप्पी नाइट।